आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जॉब नोटिफिकेशन लाया है और ये मेघालय हाई कोर्ट का जॉब है। इसमें सिर्फ मेघालय का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन होना चालू हुआ है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसमें आपको पोस्ट मिल रहा है विंटर पोस्ट के लिए, एक पोस्ट है, क्वालिफिकेशन 12 पास मांगा है, कौन सा भी बोर्ड का चल जाएगा आपका। पे स्केल अरमान आपको 6000 मिलेगा। एज लिमिट 18 से 20 ईयर्स का, जिसका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। ST SC जनरल कैटेगरी सबका सेम ही दिया है एज लिमिट। और डेट ऑफ इंटरव्यू आपका होगा 12 जुलाई को। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 8 बजे से 11 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैजुअल स्टाफ के लिए 5 पोस्ट दिया है, इसमें 8 पास क्वालिफिकेशन मांगा है, 6000 पर मंथ आपका पे स्केल होगा। और डेट ऑफ बर्थ सेम है, 29 जून से रजिस्ट्रेशन होना चालू हुआ है। और आप लोग को जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा वो 8 बजे से 11 बजे तक के रजिस्ट्रेशन करता है। अगर उसके आगे जाएगा तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उस 11 बजे के बाद जाएगा तो भी आप लोग को नहीं करेगा वो लोग, क्योंकि उनका ऑफिशियली काम बहुत होता है। आप लोग को वहाँ अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि रजिस्ट्रेशन किधर करना है तो उनकी जो मेघालय हाईकोर्ट का ऑफिस है उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। उनके ऑफिस में जाकर आपको पूछना पड़ेगा कि ये इंटरव्यू के लिए किधर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो लोग बता देगा कि आप लोग को उधर रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो लोग बता देगा ऑफिस वाला आपको। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके जाना है। और आईडी प्रूफ के लिए आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, कौन सा भी चल जाएगा, एक आईडी प्रूफ चाहिए, वो ज़रूरी होता है। बाद में वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को एक स्लिप दिया जाएगा, क्योंकि वो स्लिप ही आपको एडमिट कार्ड की तरह काम करेगा। जब इंटरव्यू देने के लिए आप जाएगा तो वो आपको आपका जो वो एडमिट कार्ड की तरह जो स्लिप देता है वो चेक करेगा गेट पे। उधर अगर चेक करने के लिए वो लोग देखा है तो आप लोगों को अंदर भेजेगा, तभी आप लोगों का इंटरव्यू होगा। वो स्लिप जो लेके आना है वो ज़रूरी होगा आप लोगों को, क्योंकि वही आप लोगों को एडमिट कार्ड की तरह काम करेगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही जॉब नोटिफिकेशन लाता रहूँगा। सो आज के लिए इतना है। जय हिंद, बाय बाय।